ठीक है, देखो अभी, इफ एसिलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, अगर एसिलरेशन किसका फंक्शन नहीं है, टाइम का फंक्शन नहीं है, सॉरी टाइम का फंक्शन है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब समझते हो, किसको बोलेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब एसिलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, एसिलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, शॉर्ट फॉर्म पे अपन बोले कि भाई एसिलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एसिलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है, जैसे एग्जांपल में एसिलरेशन इज इक्वल टू 2t के फॉर्म पे मान लो, ठीक है, या फिर एसिलरेशन इज इक्वल टू 2t² है, या फिर 3t² है, या फिर एसिलरेशन इज -t² है ना, या एसिलरेशन 1/t है, या फिर एसिलरेशन 2t-3 है, एक्सेट्रा। मतलब एसिलरेशन किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां पर काइनामेटिक्स इक्वेशन नहीं लगा सकते आप, इनको यूज नहीं कर सकते। इफ दिस हैपेंड देन v इक्वल्स टू यू प्लस ats इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² एंड v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as एंड sn-1 u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1, इनको यूज कर सकते हो कि नहीं, ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो या नहीं, बताओ जल्दी से। नो नो नहीं कर सकते इनका यूज, क्यों नहीं कर सकते इनका यूज? एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट हाँ, एसिलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और अगर एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर इनको यूज नहीं कर सकते। ये इक्वेशन सिर्फ तभी और तभी यूज हो सकती हैं जब एसिलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट एसिलरेशन कांस्टेंट है बेटा, तभी इनका यूज हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगर एसिलरेशन इस तरह का दिख रहा है तो नहीं होगा। ये कब यूज होती है, जब एसिलरेशन कैसा होता है, दे कैन बी यूज ओनली इफ दे कैन बी यूज ओनली इफ ए इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 3/2 हो गया, एक्सेट्रा, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू टाइम के साथ डिपेंड करने वाली ना हो, तो इनको यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो फिर अब इनको कैसे यूज करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, ये मान लो यहाँ पे एनी टाइम टी आई पे ये एक्स आई पोजीशन है, और यहां कहीं पे वो ऑब्जेक्ट है, इट इज द पोजीशन xf, ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी भी है बेटा, और ये कब है, यहां पे एनी टाइम टी पर है, क्लियर हो गया, यहां पर ये इसकी वेलोसिटी भी आई है, ठीक है, भी आई मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, यहां से लेकर इसका ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई पार्टिकल टी इक्वल्स टू टी आई पे यहाँ पे है, फिर टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पे है, और इसका एसिलेशन इस तरह के कोई फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, टाइम का फंक्शन, तो आप अब इन इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का एसिलेशन है, एसिलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन की जो अप्रोच है वो अब हमारी कौन सी आएगी, कैलकुलस मेथड आएगी, और कल भी हमने किया था कैलकुलस मेथड से, वही मेथड यहाँ पे फिर से लगने वाली है ना,
तो कुछ नया नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt, और दूसरा v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा dx अपॉन dt। रिमेंबर दिस, ऐसे इक्वेशन को कैसे निकालोगे, dv अपॉन dt से, और वेलोसिटी को किससे निकालोगे, dx अपॉन dt से। मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, और फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। समझ गए, पहली बार इसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, और इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे ये मिटाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। ये मैं मिटा देता हूँ। नाउ दिस इज पेज नंबर टू। इस पे देखो आप लोग, यहाँ पे सिंस dv इक्वल्स टू क्या बन जाएगा a dt, और अगर दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट। अब लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट कैसे करना ध्यान देना, क्योंकि a बाहर निकल के नहीं आएगा यहाँ से, कि आ जाएगा बताओ जरा, a बाहर निकल के आएगा क्या? नो सर। नो सर, क्योंकि a भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो a बाहर नहीं निकलेगा, और अगर a कांस्टेंट होता तो बाहर निकल जाता, काइनेमेटिक्स इक्वेशन थी, इसमें आप लोग को घुसने की जरूरत ही नहीं थी फिर, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर से a बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए पूरा ये a की जो भी वैल्यू होगी, ये वाली होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, जो भी होगी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको लगाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे टी आई, टी इक्वल्स टू टी आई पे इनिशियल टाइम जब है, टी इक्वल्स टू टी आई पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है यहाँ पे, जी आई, एंड इसकी वैल्यू यू है मान लो, और जब टाइम टी इक्वल्स टू टी एफ रहेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एफ। वी एफ को क्या बोल रहे हैं, दो यहाँ पे बोल रहा है। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो ये प्रॉपर लिमिट हुई, देखो ये एक स्टेप आई, पहले पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्टेप में यहाँ पे a पे dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर इंटीग्रेट करना है, ये मेथड बन गई आपकी। अभी आपको रटना नहीं है, बेसिक डेफिनेशन याद रखना, बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो अभी तुमको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों पढ़े थे, समझ गया कि नहीं, क्या उसका इम्पोर्टेंस था, है ना। तो अगर नहीं पढ़ते तो फिर सोचो फिर फिजिक्स कैसे पढ़ते, जबकि ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है मैथ्स में इस साल के एंड एंड पे जाके पढ़ोगे, ऐसे वेक्टर आने वाला टॉपिक है, एक वेक्टर भी पढ़ना बाकी है अभी, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स, बट बिना उसके भी हम फिजिक्स में आगे नहीं पढ़ सकते, इसलिए फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है शुरुआत में चैप्टर शुरू करने पे। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, ओके, सो यहाँ पे लिमिट समझ में आ गई, तो इसको हम थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिख दें, और क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो आप, वी माइनस यू लिख सकते हो, या वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। इट इज वी एफ माइनस वी आई इंटीग्रेशन ए डी टी लिमिट टी आई से लेकर कहां तक, टी एफ तक डायरेक्ट। सो रिमेंबर दिस, अब ये आपके पास ये समझ लो एक इक्वेशन ऐसी आ गई जो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर बेसिक से उठा लो यार सबसे अच्छा, और इसको बार बार लिख लिख के देखो, डायग्राम बनाओ लिख लिख के देखो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आप फंसो ना, उलझो ना कैलकुलेशन पे। तो ये एक स्टेप निकल के आ गई यहाँ पे, और ये क्यों आ गई, क्योंकि इंटीग्रेशन डी वी कितना होता है, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर दूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी वी,
इज v है ना, और अगर लिमिट लगी हुई है vi से लेकर vf तक, तो यहाँ पे आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा vi से vf तक, पहले अपर लिमिट पुट करोगे बेटा फिर लोअर लिमिट, इसलिए इसका आंसर इतना बचता है। तो डायरेक्ट कर दो, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं सॉल्व करने की, डायरेक्ट लिख दिया करो ऐसा, समझ गया ना, डायरेक्ट लिख दिया करो। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, जैसे कहीं पे सिर्फ इंटीग्रेशन dx है और xf माइनस xi आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, xf माइनस xi, हाँ x ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट लिख दो, xf माइनस xi डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अगर साथ में कोई है इसके कुंडली मार के कोई बैठा, तो डायरेक्ट नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे क्यों नहीं लिखे डायरेक्ट tf माइनस ti, क्योंकि a बैठा है भाई यहाँ पे, है ना, ये भी तो कुछ कमाल दिखाएगा अपना, है ना, वो डायरेक्ट नहीं लिखने दे रहा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, d से ये इंटीग्रेशन कर जाएगा, b बचेगा और अपर लिमिट माइनस ओवर, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया, समझ गया बेटा, तो डायरेक्ट लिख देना। अरे बोलो कुछ, हेलो कुछ तो बोलो, समझ में आ गया इतना, यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर, और सांप को दूध पिला दिए कि नहीं आज, हैं? नहीं सर, नहीं पिलाए सर, सांप अभी तक आया नहीं घर पे, अभी तक घर पे नहीं आया क्या, भेज तो हो जा तुम्हारे घर पे सांप, भेजो ठीक है, हो गया बेटा ये स्क्रीनशॉट हो गया डन, यस सर। अब यहां पर से जो वेलोसिटी की इक्वेशन निकलेगी, फिर उसको एक बार और क्या करना पड़ता है, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो पेज नंबर 3 पे अब वेलोसिटी की इक्वेशन सेकंड जो है, अभी देखो, अभी अब dx इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा, v dt के बराबर जाएगा, और वेलोसिटी की इक्वेशन एनी टाइम t वाली यहां पे पुट कर देते, अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये भी टाइम का फंक्शन आएगा, यहां पे इसको पुट करना, ti पे xi और tf पे xf, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, xf माइनस xi इज इक्वल टू ti से लेकर tf, समझ गया बेटा, हेलो, अरे समझ गया कि नहीं, यस सर, है ना, समझ गया इसको, कोई डाउट, नो सर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी, है ना, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी इस पे, क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना, स्क्रीनशॉट सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, ले लिए क्या, यस सर, नाउ दिस इज पेज नंबर 4, देखो अभी क्वेश्चन ये है, यहां पे मान लो एक स्ट्रेट लाइन पाथ दिया हुआ है, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर ले रहे हैं हम लोग, और यहां पर बेटा अभी एक बॉल है, pi इक्वल्स टू 0 पे xi इक्वल्स टू 2 है, और इसकी जो वेलोसिटी है अभी यहां पे इस vi इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें जो एसिलरेशन है ए विल बी 2t, एक ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे 2t के बराबर इसका एसिलरेशन, ठीक है, तो क्या निकालना है यहाँ पे आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन एट एनी टाइम टी पर, एनी टाइम टी पे इस बॉल की पोजीशन की इक्वेशन निकालना है और वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे एनी टाइम टी पे, टाइम टी फिक्स नहीं किया है, जैसे कि भाई 2 सेकंड टी से वो फिक्स नहीं किया, एनी टाइम टी के लिए हमको इक्वेशन निकालना वेलोसिटी की, तो एसिलरेशन की इक्वेशन दी हुई है 2t के फॉर्म में दी है, कॉन्स्टेंट एसिलरेशन नहीं है, अगर कॉन्स्टेंट एसिलरेशन रहता तो डायरेक्ट कर देते आप v = u + at, है ना,
वी कॉस टू यू प्लस एटी कर देते, लेकिन यहां पे एसिलेशन कांस्टेंट नहीं है, एसिलेशन कांस्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कर सकते ऐसे। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, सिंस ए इक्वल टू क्या होता है डीवी अपॉन डीटी, तो डीवी इक्वल टू क्या बन जाएगा ए डीटी। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा ए डीटी। आगे इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की जगह पे क्या आ जाएगा टू टी डीटी। अभी लिमिट पुट करना है टी आई इक्वल टू जीरो पे वी आई की वैल्यू कितनी है फोर है, और एनी टाइम टी पे ये वाली वैल्यू कितनी मान रहे हैं हम लोग वी मान रहे हैं। समझ गया बेटा, या तो कैपिटल वी ले लो ऐसा। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। समझ गए कि नहीं? देखो टी इक्वल टू जीरो पे वी आई फोर है, एनी टाइम टी पे जी है, तो ये डायरेक्ट लिखते बनेगा कि नहीं? डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं? अभी बताया डायरेक्ट लिख लेना इसको, कितना लिखोगे डायरेक्ट अगर लिखना थी? बी माइनस फोर। बी माइनस फोर। और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे टू टी स्क्वायर अपॉन बाई टू एंड जीरो से टी, ये कट गया टू से टू है ना, तो इसके बराबर आ गई इक्वेशन ये वाली आपके पास में b minus 4 is equals to upper limit minus lower limit t square minus 0 square, तो ये तो t square बस बचा है, तो b minus 4 is equals to कितना हो गया ये t square आ गया, so therefore b is equals to t square plus 4। ये किसकी equation मिल रही यहाँ पे आपको? velocity की equation मिल रही any time t पर। समझ गए? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना एक गलती करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। जो मिस्टेक करते हैं बच्चे डायरेक्ट देखते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दिए, यू लग दिया फोर, ए की वैल्यू कितनी है टू टी है, इनटू टी आंसर कितना बना दिया फोर प्लस टू टी स्क्वायर। दोनों में फर्क है आया ना? हाँ सर फर्क है। हाँ फर्क है इक्वेशन पे, तो ये मिस्टेक होती है, आप ध्यान देना, मैंने मिस्टेक भी बता दिया, ये मिस्टेक करते बच्चे अधिकतर मिस्टेक करती है, गलत है ये सही नहीं। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे नहीं करना, ये तभी कर सकते हो जब एसिलेशन कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट। अगर एसिलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। समझ गए? बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। अगर ऐसी रिलेशन कांस्टेंट है तो ठीक है भाई कर लिए, और अगर कांस्टेंट है ना तब भी ये मेथड चलती, कैलकुलस मेथड चलेगी, क्योंकि कांस्टेंट ऐसे अपन ने डेरिवेशन तो इसी से कर ली है ना, डेरिवेशन तो इसी से की, कांस्टेंट ऐसी रिलेशन तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलेगा यार कांस्टेंट ऐसी रिलेशन। ठीक है बेटा। हेलो, अरे बोलो कुछ। यस सर समझ। पक्का सर? हां बोलो सर। वो जो 2t स्क्वायर अपॉन 2 है वो नहीं समझा, वो कैसे आया? कौन सा वाला 2t स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट किया ना, ये 2 तो बाहर आ गया। हां ये भाई 2 बाहर निकाल दिया मैंने। अब ठीक है, और t का इंटीग्रेशन कितना होता है? t का इंटीग्रेशन सर वहाँ पे 2t है ना? वहाँ पे 2t है, ये वाला t, ये हाँ, अरे ये वेरिएबल वाला है इसके बगैर काम नहीं होता है, भूल गए इंटीग्रेशन, कॉपी रखिए साथ में। है सर। मनस की कॉपी निकाल, जल्दी से कॉपी निकाल। निकाल ली सर। इंटीग्रेशन जहाँ पे चालू किए थे हमने उसको देख पड़ हाँ सर याद आ गया। याद आ गया, ओके वेरी गुड। और हाँ सर, डाउट है ये वाला, इतना भयंकर वाला डाउट आया किसी को और क्या? हेलो हेलो, इतना भयंकर वाला डाउट आया क्या? अरे कुछ बोलेंगे नहीं, बोले सर बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, और तो इसलिए ना आप लोग क्या है ना रिवाइज जरूर करते रहा करो, खासकर बेसिक मैथ्स को आप
उसको हल्के में मत लो यार, उसको रिवाइज करते रहो आपको कंटिन्यूअसली, जितना बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ा है ना। और वीडियो के भरोसे पे मत रहो यार, सबसे बड़ी बात ये आप लोग अपने नोट्स बनाओ और नोट्स से रिवाइज करो, क्योंकि जो नोट्स है ना, जैसे 20-22 वीडियो होंगे अपने बेसिक मैथ्स के, 20-22 वीडियो मतलब जितना दिमाग खराब करना, 22 घंटे देखते थोड़ी बैठोगे 22 घंटे, ठीक है। लेकिन नोट्स जो रहेंगे ना आपके वो 20-22 घंटे वाले, वो मुश्किल से आप आधे घंटे में पूरा नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो। तो क्या फ्रूटफुल है आप 22 घंटे वीडियो देखने की आधे घंटे में रिवीजन, क्या ज्यादा बढ़िया है? आधे घंटे में, अभी पहली बार करोगे तो आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार करोगे तो और 15 मिनट लगेगा, लेकिन वीडियो के साथ ऐसा नहीं है। और वीडियो उतने छोटे बन ही नहीं सकते कि भाई मैं 10 मिनट में पूरी बेसिक मैथ्स खत्म कर दूं, लेकिन आपके हाथ के हैंड रिटन नोट्स हैं, पहली बार रिवाइज करोगे आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार करोगे 20 मिनट में रिवीजन होगा, तीसरी बार रिवीजन करोगे 10 मिनट में रिवीजन होगा, चौथी बार रिवीजन करोगे बस पेज पलट के देखोगे हाँ रिकॉल होगा। तो ये पावर होता है आपके हैंड रिटन नोट्स का, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का पावर, समझ गए कि नहीं? बहुत पावर है, मतलब आपका रिवीजन उससे इतना फास्ट होता है कि वीडियो देखने से वो रिवीजन नहीं होते। इसलिए हर एक चीज को आप लोग लिखो, नोट्स प्रिपेयर करो आप, ठीक है, समझ गए? ये समझ गए कि नहीं? है? पहले तो सिर्फ हम लोग मूवी के वीडियो देखते, तब तो हर चीज के वीडियो आ चुके, हर चीज के, पढ़ाई के भी वीडियो आ गए, तो बुक का काम ही खत्म हो गया लगभग, पर उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, हाथ से लिखने का रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ चीजें कितनी भी टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, दिमाग में थोड़ी कंप्यूटर बैठा दोगे, बैठा सकते हो, वो तो जैसा बना वो तो बना ही है ना, थोड़ा बहुत आएगी कुछ चीजें, एडवांस कर सकते हो, यहाँ थोड़ी कंप्यूटर फिट कर सकते हो, वो तो समझ गए है? तो हैंड रिटन नोट्स का पावर बहुत तगड़ा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यार फोटो बस खींच खींच के, फोटो बस खींच खींच के इकट्ठा कर लिए, स्क्रीन शॉट इकट्ठा कर लिए, नोट से नहीं बनाए, बाद में देखने गए तो उसका कब किस दिन का कब का स्क्रीन शॉट है, गूगल फूट गया, थायरॉइड गई, लेकिन तुम्हारे हाथ का जो लिखा हुआ है ना वो नहीं। इसलिए लिखो आप लोग, पहली बार जरूर लिखो। और ये वीडियो रिविजन पर्पज के लिए भी नहीं है ना, ये वीडियो रिविजन पर्पज के लिए नहीं है, क्योंकि ये रॉ वीडियो है, सीधे सीधे क्लासरूम वाले वीडियो है ना, कोई एडिटिंग नहीं है। ये समझ गए आप लोग? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। नहीं है कोई डाउट? ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे ये निकल के आई। अच्छा ये इक्वेशन का फायदा क्या, बताओ जरा, इस इक्वेशन का क्या फायदा है, इस इक्वेशन का क्या फायदा है, कुछ फायदा है कि नहीं है, घाटे घाटा है, इस इक्वेशन का क्या फायदा है? हेलो बोलो जल्दी से, इस इक्वेशन का क्या फायदा बेटा, कुछ फायदा है कि नहीं है? Yes. क्या है बस यहाँ पे टी पुट करना है और किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? Yes. हर बार आपको वैल्यू पुट कर करके देखने की जरूरत नहीं है, है ना, हर बार वैल्यू थोड़ी पुट करके देखते रहेंगे अपन, समझ गए कि नहीं? बस आपको यहाँ पे टी की वैल्यू, टी में जैसे आपको 1 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर दो, यहाँ पे 1 सेकंड पे वैल्यू पुट कर दी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो क्या पुट कर दिया अपन ने, 2 पुट कर दिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं? 3 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो 3 पुट कर दिए, समझ गए बेटा? हेलो है ना, तो बस जैसे 3 सेकंड में चाहिए तो 3 3 9 9 4 9 + 4 कितना हो गया 13 मीटर पर सेकंड, क्लियर? कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हेलो कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो। नो सर। सर इसमें 4 मतलब कोई भी नंबर के लिए चल सकता, क्या क्या 4 जो एट है वो कोई भी नंबर के लिए चल सकता है क्या? नहीं नहीं, ये यहाँ पे क्या था इनिशियल, देख यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वो 4 थी, इसलिए ये 4 बना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहती तो फिर यहाँ पे बेटा कुछ और टर्म आता ना आपका, क्योंकि ये जो 4 था यहाँ पे लोअर लिमिट वाला कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो आपने पुट किए थे ना यहाँ पे,
तो यहां पर की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये 4 आया, वैसे नहीं आया ना ये। अगर यहाँ जीरो होता मान लो तो यहाँ पर आता है क्या कुछ टर्म, यहाँ पर भी जीरो पड़ा रहता। अभी समझा कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है क्या बेटा, बोलो जल्दी से। नो सर। है ना, क्लियर हो गया अभी इतना? क्लियर हो गया? यस सर। तो मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये होती है। मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे कि भाई आपने v equals to u plus at लगा दिया, 2t into t कर दिया सॉरी है ना, ये मिस्टेक होती, तो ये नहीं करना। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कैलकुलस, हाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए भी कर सकते हो, लेकिन फिर ये इतना लंबी चौड़ी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो सीधे सीधे हमारे पास ये थी इक्वेशंस थी हमारे पास में, शॉर्टकट में आंसर निकालने वाली, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये पूरा कैलकुलस मेथड और ये इक्वेशन निकाल दिया आपने। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे बोल देता है कि भाई टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे या 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, तो अगर 5 सेकंड पे बोल देता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 से 5 की लिमिट ले लेते। लेकिन मेरा ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो क्या करो, आप इक्वेशन निकालो है ना, डायरेक्ट वैल्यू मत निकालो। और इक्वेशन निकालने के बाद आप जो भी जिस भी सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है उस टाइम को आप पुट करके निकालते जाओ, क्योंकि एक बार आपने इक्वेशन निकाल लिए मतलब आपका आधा काम बहुत आसान हो गया आपका। क्यों आसान हो गया, भाई कोई भी टाइम दे देना आपको, 0 सेकंड दे दे, 0.5 दे दे, 2 दे दे, 10 दे दे, 100 दे दे, कुछ भी दे दे, निकाल सकते हो है ना। लेकिन अगर 4 और फिर 6 और फिर 8 के लिए अलग अलग करते तो फिर यहाँ पे एक बार अलग इंटी वैल्यू रखना पड़ता, फिर और अलग रखना पड़ता, फिर और अलग रखना पड़ता। समझ गया बेटा? हेलो अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट है क्या? नो डाउट। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है। अभी किसकी इक्वेशन निकालना हमको, ये पोजीशन की इक्वेशन और निकालना, एक और इक्वेशन निकालनी बची। कौन सी इक्वेशन निकालनी बची अभी? पोजीशन की इक्वेशन निकालनी बची। ठीक है ना बेटा? हेलो समझ गए? पोजीशन की इक्वेशन निकालना बची है ना अभी, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दूं इसको? यस सर। अब लेकिन हमारे लिए ना ये जो इक्वेशन निकल के आई थी ये वाली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसको यूज करना पड़ेगा हमें। तो अब x की वैल्यू निकालना है x के लिए इक्वेशन, तो ये इसके बराबर आएगा ना, सिंस v इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx upon dt, dt है ना, आप इसको v भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल्स टू v dt हो जाएगा बेटा। कोई डाउट? अरे बोलो कुछ, कोई डाउट है क्या? है क्या किसी को? है ना? नहीं है ना कोई डाउट? नो सर। ओके, सो अब इसको ना इंटीग्रेट कर दो आप, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। देखो ti इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। 0 भी हो सकती थी, माइनस में भी हो सकती थी, प्लस में भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी यहाँ पे वैल्यू। अरे इनिशियल पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? तो इससे कोई फर्क नहीं कि भाई ये प्लस में है कि माइनस में है कि ये 0 है कि क्या है, तो जो है वो है। जैसे यहाँ पे ti इक्वल्स टू 0 पे जो पोजीशन आपको दिख रही है वो xi इक्वल्स टू कितना है, 2 है ना। एनी टाइम टी पर इक्वेशन निकालो, एनी टाइम टी के लिए ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, x,
हाँ या तो आप एक्सेप्ट लिख दो, अभी एक्सेप्ट लिख देते बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है चलो अगली स्टेप पे आते हैं बेटा हम लोग। इंटीग्रेशन dx 2 से लेकर x इक्वल्स टू 0 से लेकर t, अब v की वैल्यू पुट करना है, v की ये वाली वैल्यू पुट करना हमको, तो इट इज t स्क्वायर प्लस 4 और dt। समझ गए कि नहीं, दिस इज अवर पेज नंबर 5 ना, समझ गए? यस सर। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा यहां पे, तो वैल्यू जब हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट x माइनस 2 लिख दूं चलेगा कि नहीं चलेगा? डायरेक्ट x माइनस 2 यस सर यस, डायरेक्ट x माइनस 2 लिख दिए हमने। अब कितना आ जाएगा बेटा यहां पर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t, बनेगा कि नहीं बनेगा? 0 से लेकर t तक, तो ये सिंपलीफाई कर दोगे कितना आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब देख इसमें एक फायदा, अगर यहाँ पे सभी जगह tt दिख रहा है ना और लोअर लिमिट 0 दिख रही है ना और ऊपर वाली लिमिट t दिख रही है ना, तो इसको ही लिख दो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो है वही आंसर है ना। अगर लोअर लिमिट 0 और हर जगह t आ गया तो फिर आंसर ही ये है इसका, मतलब आपको लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझ गया कि नहीं, डायरेक्ट अपन ने x माइनस 2 लिख दिए, dx का इंटीग्रेशन है x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, समझ गए? तो डायरेक्ट मैं यहां पे ये लिख दूं t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t, और बेटा ये 2 इधर चला गया तो x विल बी t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t प्लस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, ये इक्वेशन आ गई यहां पे। यहां पर भी क्या गलती कर देते बच्चे, उनके दिमाग में होता है सर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला लगा दिए, यूटी प्लस आप एटी स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स माइनस यहाँ पे ये एक्स है और इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 है, वैल्यू पुट कर दिए, ये हो जाएगा 4t प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना रख दी आग बंद करके 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4t, ये 2 से 2 काट दिए प्लस टी क्यूब एंड प्लस 2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि अलग आ गई कुछ, देखो कहानी यहाँ पर सेम आ रही कि अलग आ रही है? अलग अलग आ रही। तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, समझ गए? ये कब करना था, ये कब करना होता है, एसिलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब एसिलरेशन कांस्टेंट होता है तब ऐसा करना, और अगर एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते बेटा, समझ गए कि नहीं? तो देखो इक्वेशन निकल के आ गई, और इक्वेशन का पावर क्या है, इक्वेशन का पावर क्या है यहाँ पे, पावर मतलब समझ गए, पावर मतलब ये मसल पावर नहीं भाई, पावर का मतलब क्या, इक्वेशन का पावर क्या है, इक्वेशन का पावर ये कि किसी भी टाइम के लिए अब उसकी पोजीशन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बता सकते हो, समझ गए? हेलो बोलो जल्दी से, कुछ बोलते नहीं है यार, बोलो। यस सर यस सर, कोई भी टाइम कोट कर दे भाई यहाँ पे, एक सेकंड कर दे, टू सेकंड कर दे, थ्री कर दे, फाइव कर दे, टेन कर दे, कुछ भी कर दो, इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंस है। और ये भी तो इक्वेशन है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू कोट करना और आंसर निकालना, ये तो पावर ना, हर बार थोड़ी कैलकुलेशन करना आपको, वो पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस थोड़ी अडॉप्ट करना, समझ गए? हेलो सर। यस सर, क्वेश्चन पूछो आप लोगों के, क्या है बोलो, बोल बेटा कुछ पूछना है? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, हेलो सर। हाँ बोलो सर, जो अपर लिमिट अगर वो टी स्क्वायर होती तो जो टी की वैल्यू उसमें होल्स पर लगाते हैं, क्या क्या क्या, जो टी है ना अपर वैल्यू अपर लिमिट अगर वो टी स्क्वायर होता तो जिसमें वो वैल्यू पुट करते उसमें होल स्क्वायर लगाते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे टी स्क्वायर होता, हाँ नहीं टी स्क्वायर क्यों होता, ये बेसिक क्वेश्चन आया मन में कि ऐसी सिचुएशन पे हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पे नहीं होता है, क्योंकि आप टी स्क्वायर टाइम थोड़ी बोलते हैं, आप टी टाइम बोलते हैं, आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 9 बजे का स्क्वायर कितना है, तो ये ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर मान लो है, ठीक है, अगर मान लो है भी ये कि ये टी स्क्वायर रख देते अपन यहाँ पे, तो फिर बेटा ये टी स्क्वायर का होल क्यूब बनता, फिर समझ गए,
हाँ सर यही पूछना चाह रहे थे ना आप। हाँ सर ये ऐसा बनता है फिर, और यहाँ पर भी फिर ये टी स्क्वायर रखना पड़ता आपको, इज इट क्लियर? हाँ यस सर, वही पूछ रही थी अगर होल स्क्वायर रहता तो। तेरा क्वेश्चन क्वेश्चन सही था तेरा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग रखते हैं तो है। बाकी हो सकता है भाई टी स्क्वायर किसी ने सोच लिया, ऐसा क्या सोचने थोड़ी दूर आई है, ठीक है ना, कुछ भी सोच सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नए नए तरीके भी सोच सकते हैं कि हाँ यार हम टी स्क्वायर नहीं, टी नहीं लिखेंगे सर, टी स्क्वायर रखते हम लोग, देखो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक। और ये सोचना चाहिए आपको, है ना सर, अगर ऐसा कर ले तो कैसा आएगा, ऐसा कर ले तो कैसा आएगा, पर अगर जब हम ये सोचने लगे और ये क्वेश्चन पूछने लगे ना हम लोग कि ऐसा कर लिए तो क्या होगा, सर यहाँ पे ऐसा चेंज कर दिए तो क्या होगा, तो समझ लो आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और फिजिक्स में ये बहुत जरूरी है ना, कि ऐसा कर दिए तो कैसा, ऐसा कर दिए तो कैसा, आप अपने हिसाब से यार उसको एडजस्ट करना चालू कर दे तो समझ लो आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना, बाकी हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई डाउट